हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हमारा आज का टॉपिक है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, यानी कि राजस्थान जनरल नॉलेज। तो इस वीडियो में हम आज राजस्थान के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो छोटा सा ही है, कोई बड़ा वीडियो नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 342,239 वर्ग किलोमीटर है। इसे खनिजों का अजैब घर भी कहा जाता है। राजस्थान के 33 जिले, और उन 33 जिलों को याद रखने की यह छोटी सी ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से हम 33 जिले याद रख सकते हैं। यह ट्रिक यह है कि उधर हटो नगद पकड़ अभी जा बुझ सिंच, उसे उदयपुर, दसे धौलपुर, रसे राजसमंद, हसे हनुमानगढ़, टो से टोंग, न से नागौर, गसे गंगानगर, दसे दोसा, पसे पाली और प्रतापगढ़, कसे करौली और कोटा, दसे डूंगरपुर, ठीक है फ्रेंड्स, असे अलवर और अजमेर, बीसे भीलवाड़ा और भरतपुर, जैसे जालौर जयपुर, जोधपुर जैसलमेर, बूसे बूंदी बारा बाड़मेर, बीकानेर बांसवाड़ा, ठीक है फ्रेंड्स, और जैसे झुंझुनू झालावाड़, सी से सीकर सिरोही स्वयंमाधोपुर, और चू से चुरू और चित्तौड़गढ़, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम अब जिलों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा पहला जिला है, वह है बारा जिला, जो कि आडोती क्षेत्र में पड़ता है। इसका क्षेत्रफल 6,992 किलोमीटर है, 92 वर्ग किलोमीटर। भरतपुर, इसका क्षेत्रफल 5,066 वर्ग किलोमीटर है। बीकानेर एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे एक भी नदियाँ नहीं पाई जाती है। इसका क्षेत्रफल है 30,240 वर्ग किलोमीटर। और बूंदी का क्षेत्रफल है 5,525 वर्ग किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। और अगला ज़िला है हमारा भीलवाड़ा का क्षेत्रफल है 10,455 वर्ग किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद में है हमारा खुद का जिला सिरोही। सिरोही जिले का क्षेत्रफल 5,136 वर्ग किलोमीटर है। सिरोही जिले में कुल 5 तहसील है, रेवदर आबूरोड शिवगंज पिंडवाड़ा और सरुगंज, ठीक है फ्रेंड्स। और चित्तौड़गढ़ का क्षेत्रफल है 7,822 वर्ग किलोमीटर। और चूरू एक ऐसा ज़िला है जिसमें एक भी नदियाँ नहीं पाई जाती है, और यह का तापमान बहुत अधिक रहता है। इसका कुल क्षेत्रफल 13,858 वर्ग किलोमीटर। दोसा इसका कुल क्षेत्रफल 3,432 वर्ग किलोमीटर। और धौलपुर, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत ही सबसे छोटा ज़िला है राजस्थान का, इसका क्षेत्रफल 3,084 वर्ग किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। और अगला डूंगर से ही पता चलता है कि डूंगर बोल रहे तो पर्वत या जिसे पर्वतों का जिसमें सबसे ज़्यादा पर्वत पाए जाते हैं वह ज़िला है डूंगरपुर, ठीक है फ्रेंड्स। इसका कुल क्षेत्रफल है 3,770 वर्ग किलोमीटर। और अगला है हनुमानगढ़, जिसका कुल क्षेत्रफल है 9,656 वर्ग किलोमीटर। और जैसलमेर, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका कुल क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। और जालौर का कुल क्षेत्रफल है 10,440 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में है झालावाड़, जो कि संतरा के लिए प्रसिद्ध जिला है। इसका कुल क्षेत्रफल 6,928 वर्ग किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। और प्रतापगढ़,
प्रतापगढ़ का कुल क्षेत्रफल 4,117 वर्ग किलोमीटर, और राजसमंद का कुल क्षेत्रफल 4,550 वर्ग किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, और अगला हमारा जिला है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर का कुल क्षेत्रफल 10,527 वर्ग किलोमीटर, और उसके बाद में है सीकर। सीकर का कुल क्षेत्रफल है 7,742 वर्ग किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, और गंगानगर एक ऐसा ज़िला है जो जिसकी सीमा किसी देश से भी टच होती है और राज्य से भी टच होती है। जैसे राज्य बोले तो पंजाब से इसकी सीमा टच होती है, और देश बोले तो पाकिस्तान से इसकी सीमा टच होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका कुल क्षेत्रफल 11,154 वर्ग किलोमीटर। और टोंक का कुल क्षेत्रफल है 7,194 वर्ग किलोमीटर। उदयपुर, जिसे जिलों की नगरी बोला जाता है, इसका कुल क्षेत्रफल है 1,172 वर्ग किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब है बांसवाड़ा का कुल क्षेत्रफल है 5,037 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद में बाड़मेर का कुल क्षेत्रफल है 28,387 वर्ग किलोमीटर। ये बाड़मेर भी एक ऐसा ही ज़िला है जो कि राज्य से भी अपनी सीमा टच करता है, और जिले और देश से भी अपनी सीमा टच करता है। तो देश है पाकिस्तान और राज्य है गुजरात। ठीक है फ्रेंड्स, अलवर का कुल क्षेत्रफल है 8,380 वर्ग किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, और जयपुर जो कि राजस्थान राज्य की राजधानी है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला है। इसका क्षेत्रफल है 11,152 वर्ग किलोमीटर। इसे गुलाबी नगरी या पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अजमेर का क्षेत्रफल है 8,481 वर्ग किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब राजस्थान को सामान्यतः 4 भौतिक विभागों में बांटा जाता है, जो कि है पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश या थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अध्ययन करेंगे सर्वप्रथम पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणियों के पश्चिम में विस्तृत मरुस्थल भौगोलिक प्रदेश है, जिसे मरुस्थल तथा थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में थार का मरुस्थल लगभग 62% भाग में आता है। यह उत्तर पश्चिम में लगभग 640 किलोमीटर लंबा या 300 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ 640 किलोमीटर लंबा या 300 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ पे तापमान अधिक रहता है क्योंकि यहाँ पे रेत ही रेत है, और यहाँ पे पानी की अत्यंत कमी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसमें से 550 किलोमीटर राजस्थान में स्थित है। अरावली का 80% भाग राजस्थान में स्थित है। इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम में खेड ब्रह्मा यानी कि पालनपुर जो गुजरात में है, और उससे लेकर के उत्तर में रायसीना पहाड़ी यानी कि जो राष्ट्रपति भवन दिल्ली तक है। इसकी उत्पत्ति प्रो कैम्ब्रियन युग में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, यह अरावली पर्वत राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। एक तो उत्तर दक्षिण राजस्थान और दूसरा पूर्व नहीं एक तो उत्तर पश्चिम राजस्थान और दूसरा पूर्व दक्षिण राजस्थान। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि अरावली पर्वत के 5 सबसे ऊंची चोटियाँ एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। और ट्रिक यह है कि गुरु से जरा आशा रखो, यानी कि गुरु से हमें आशा रखनी चाहिए। यह एक ट्रिक है कि गुरु से जरा आशा रखो। तो गुरु शिखर जिसकी कुल लंबाई है यानी कुल ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, और शेष है शेर की पहाड़ियाँ जिसकी कुल ऊंचाई है 1597 मीटर।
1597 मीटर, और गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर, सॉरी मैंने किलोमीटर बोल दिया था। तो गुरु शिखर है उसके 1722 मीटर, शेर की पहाड़ियों की 1597 मीटर, और जरा यानी जरगा की पहाड़ियों की 1431 मीटर। आशा आशा यानी अचलगढ़ की ऊंचाई है 1380 मीटर। रघुनाथगढ़ उसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। और खो बोले तो ये साइलेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगला है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। यहाँ पठारी प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.6% है। इसका विस्तार भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, 12 जिलों में है, यानी कि आड़ोती क्षेत्र में इसका विस्तार है। यह दक्कन के पठार के उत्तरी भाग में है। यह दक्कन का पठार है ना, उसके उत्तरी भाग में है। इसे आड़ोती का पठार या संक्रांति प्रदेश भी कहते हैं। इसे आड़ोती का पठार तथा संक्रांति प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और आगे है पूर्वी मैदानी प्रदेश। मैदानी भाग राजस्थान के क्षेत्रफल का 23% भाग है, जिसमें 39% जनसंख्या निवास करती है। यह राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जनसंख्या वाला भाग है। इसका निर्माण नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से हुआ है। इस क्षेत्र की सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है, कुएं है। जैसे कि मैदानी भाग राजस्थान के क्षेत्रफल का 23% भाग है, यानी 23% भाग है, तो बाकी तीन भाग है ना, वो कितने रहे मालूम है आपको, मतलब 100 में से 23 घटा दो, ठीक है फ्रेंड्स। जिसमें से 39% जनसंख्या निवास करती है, मतलब राजस्थान में जितनी भी जनसंख्या है उसकी 39% जनसंख्या पूर्वी मैदान में निवास करती है। यह राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला भाग है। इसका निर्माण नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से हुआ है। इस क्षेत्र की सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुआ है। क्या है, कुआ, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।